नमस्कार दोस्तों, भारत में कई ऐसे रहस्यमय मंदिर हैं जिनका इतिहास और महत्व विशेष है। ये मंदिर अपनी विशेषताओं और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ मैं आपको 5 रहस्यमय मंदिरों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ। नंबर 1, कैलाशनाथ मंदिर। ये मंदिर एलोरा के गुफाओं में स्थित है और हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये पूरी तरह से एक ही पत्थर से निर्मित है और इसकी नक्काशी और कला का अद्वितीय उदाहरण है। कैलाशनाथ मंदिर एक अनूठा हिंदू मंदिर है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के एलोरा गांव में स्थित है। ये 8वीं शताब्दी में चालुक्य राजवंश के राजा कृष्ण और राजा कीर्तिवर्मन द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है और एक विशाल शिवलिंग को अपने मुख्य विग्रह के रूप में स्थापित किया गया है। कैलाशनाथ मंदिर की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से एक पत्थर से निर्मित किया गया है जिसे कारीगरों ने एक ही पहाड़ी को काट के उकेरा है। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 2,00,000 टन पत्थर का उपयोग किया गया था। मंदिर के भीतर और बाहर शिव के जीवन से जुड़े कई पुरानी कथाएं और चित्रण हैं। ये मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और अपनी सुंदर और विशाल संरचना के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 2, वीरभद्र मंदिर। ये मंदिर लखनऊ में स्थित है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर की सबसे विशेष बात ये है कि इसके गोपुरों में एक पशु का स्वरूप दिखाई देता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि गोपुर जीवंत हो गए हैं। ये भगवान वीरभद्र को समर्पित है जो भगवान शिव के भैरव रूप में माने जाते हैं। ये मंदिर लखनऊ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। नंबर 3, जगन्नाथ मंदिर, जिसके बारे में आप सभी ने खूब सारा सुना है। ये मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है और ये मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है जिसे भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर की शैली कुलोत्तुंगकालीन है और इसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे विशेष और अनोखा त्योहार रथ यात्रा है जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथों पर यात्रा की जाती है। ये त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है और लाखों श्रद्धालुओं द्वारा उन्हें देखने के लिए आग्रह किया जाता है। नंबर 4, कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मंदिर ओडिशा के कोणार्क गांव में स्थित है और ये सूर्य भगवान को समर्पित है। ये एक हिंदू मंदिर है जिसे सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। ये मंदिर उड़ीसा के सुनामुहा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गंगा वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा करवाया गया था और ये 4th शताब्दी में पूरा हुआ था। कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्यालय विशाल रथ की तरह बनाया गया है जिसे सूर्य का रथ यानी चरित्र रथ कहा जाता है। ये रथ सोने और पत्थर से निर्मित है और उसमें 9 घड़ियाल दिखाई देती है जिसका प्रत्येक घड़ी का स्थान सूर्य की प्रक्षेपण शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर की विशेषता इसमें उकेरे गए सुंदर कलाकृतियों और वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरणों का होना है। ये मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। नंबर 5 पर है केदारनाथ मंदिर। ये मंदिर उत्तराखंड के हिमालयन पर्वतों में स्थित है और ये हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया था और ये हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। ये मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है और इसे 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा माना जाता है और इसका निर्माण 8वीं से 9वीं सदी में किया गया था। यहाँ की सुंदर पर्वतीय वातावरण और धार्मिक माहौल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है जो समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदारखंड है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धाम और 5 केदार का एक हिस्सा है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो फ्रेंड्स, यही थे वो 5 मंदिर जो किसी न किसी रहस्य या खूबी की वजह से ज्यादा ही प्रसिद्ध है, जिनके साथ हम लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई है। आप इनमें से किन किन मंदिरों पर गए हो वो कमेंट्स में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।